तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिनभर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 8 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अच्छी खबर। रूस में इसी हफ्ते से आम जनता के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यों में तेजी लाने के लिए 5 जिलों के कलेक्टरों को 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर रायपुर को 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार दुर्ग और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए, राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। गौरतलब है कि 5 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर यह राशि जारी की गई है, जिससे इन जिलों में संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यों में तेजी लाई जा सके। साथ ही खबर है दोस्तों, अच्छी खबर, रूस में इसी हफ्ते से आम जनता के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। नई दिल्ली, रूस इसी हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। इसके बाद वैक्सीन के कार्य में तेजी आई थी। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रशियन अकेडमी ऑफ साइंस के डेप्यूटी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। मंत्रालय इस वैक्सीन का टेस्ट कुछ दिनों में शुरू करने जा रहा है और हम जल्द इसकी अनुमति हासिल कर लेंगे। लोगुनोव ने कहा कि 10 से 13 सितंबर के बीच नागरिक उपयोग के लिए वैक्सीन के बैच को जारी करने की अनुमति प्राप्त करनी है। इसके बाद हम वैक्सीन को आम लोगों के लिए जारी करने की स्थिति में होंगे। वैक्सीन का वितरण रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा। बता दें कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडेनोवायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 ट्रायल इस साल जून जुलाई में किए गए थे और इसमें 76 प्रतिभागी शामिल थे। परिणामों में 100% एंटीबॉडी विकसित हुई थी। आगे खबर है दोस्तों, कोरोना से लड़ाई में क्या हम हार रहे। रिकवरी के मामले में छत्तीसगढ़ नीचे से दूसरे पायदान पर। राज्य में एक्टिव केस 23,685, ठीक होने वाले सिर्फ 53.2%। कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ जितना फ्रंट फुट पर बढ़कर खेल रहा था, अब पिछड़ता जा रहा है। इतना ज्यादा पिछड़ रहा है कि देश के सबसे खराब राज्यों में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 45,263 संक्रमित मिले हैं। इनमें से ठीक होने वालों की संख्या महज 21,198, यानी रिकवरी रेट 53.2% है। हमसे नीचे नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा राज्य मेघालय ही है। 37 दिनों में 36,072 संक्रमित मरीज बढ़ गए प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में अगस्त में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 31 जुलाई तक जहां पॉजिटिव 9,191 थे, वहीं 31 अगस्त तक यह बढ़कर 31,502 के पार पहुंच गए। सितंबर के 6 दिनों में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अकेले रविवार को 2,100 नए केस आए, जबकि 24 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतों का है। प्रदेश में अभी 23,685 एक्टिव केस हैं, वहीं 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ खबर है दोस्तों, भारत के बैन से पबजी को हुआ 2.50 लाख करोड़ का भारी भरकम नुकसान। दिल्ली, भारत सरकार ने कई चाइनीज मोबाइल एप्स को बैन कर दिया, जिसके चलते इन्हें बनाने और चलाने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। बैन होने वाले एप्स में सबसे ज्यादा चर्चा पबजी मोबाइल गेम की ही हो रही है। दरअसल चीनी कंपनी टेंसेंट पबजी मोबाइल का स्वामित्व रखती है और इसकी सेहत पर पबजी के भारत में बैन होने से तगड़ा असर पड़ा है। भारत में पबजी की रेवेन्यू हिस्सेदारी 5% से भी कम है, लेकिन पबजी पर प्रतिबंध लगाने से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। अब कंपनी को इससे उबरने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। गौरतलब है कि भारत में पबजी के बैन होने से टेंसेंट का बाजार पूंजीकरण लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले कंपनी को तब झटका लगा था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान कंपनी को 4.81 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पबजी के 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स थे। दुनिया के कुल यूजर्स में से भारत के 24% यूजर्स हैं, वहीं चीन में 16% है, जबकि अमेरिका में यूजर्स का आंकड़ा 6.4% है। बने रहिए दोस्तों आगे बढ़ते। तो खबर है मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र से मिली 67.01 करोड़ रुपए की स्वीकृति। प्रदेश में अब तक कुल 2,148.70 का भुगतान।
रायपुर प्रदेश में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 67.1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 26,09,000 परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2,148.70 करोड़ रुपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य शासन द्वारा मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में 96.33 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है। राज्य मनरेगा आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मजदूरी मद में इस वर्ष अब तक कुल 2,271.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 67.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी 4 सितंबर को मिली है। कुल स्वीकृत राशि में से 2,052.37 करोड़ रुपए प्रदेश को मजदूरी भुगतान के लिए प्राप्त हुए हैं। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26 लाख से अधिक परिवारों के 48,87,000 मनरेगा श्रमिकों को 9.55 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो वही खबर है दोस्तों, कोरोना देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या 32.50 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 69,564 लोगों को छुट्टी मिली। देश में अब तक 42.08 लाख केस, देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 42,08,645 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। इसके साथ देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या 32.50 लाख के पार कर गई, पिछले 24 घंटे में 69,564 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि रविवार को देश में 7,20,362 सैंपल की जांच की गई। इस तरह अब तक 4,95,51,507 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आगे अपडेट है, शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सीएम हाउस का करेंगे घेराव, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। रायपुर, शिक्षक भर्ती की बाधित प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। सोमवार को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरनास्थल में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहले मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, इसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन स्थल पर अभ्यर्थियों ने बताया कि यदि कोरोना काल में प्रशासन द्वारा किसी तरह रोक लगाई जाती है तो सभी अभ्यर्थी अपने घर के बाहर अपने क्षेत्र के तहसीलदार व SDM को सूचित कर हड़ताल पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ DLED संघ के प्रांतीय सचिव सुभाष धराई ने बताया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। यदि हमें पुलिस प्रशासन या कोई उठाती है तो हम हमारे साथी अपने अपने घर में अपने अपने तहसीलदार व SDM को सूचित करके अपने घर के बाहर बैठेंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि ये हमारी स्वयं की लड़ाई है और प्रशासन हमें यहाँ से ना उठाए। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को रख रहे हैं, हम सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने CM भूपेश बघेल को लिखा पत्र, कहा 1900 से बढ़ाकर 2800 करें पुलिस कर्मियों का पे ग्रेड। रायपुर, पुलिस कर्मियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने CM भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। अपने पत्र में रेणुका सिंह ने लिखा है कि पुलिस कर्मियों, पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2800 रुपए किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि पुलिस हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आम आदमी की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पुलिस हरेक परिस्थितियों में अपनी न जोखिम में डालकर भी तैनात रहती है। वर्तमान में COVID-19 में की गई सेवाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रेणुका सिंह ने लिखा है कि पुलिस आरक्षक 1861 से 24 घंटे के अनुबंध पर 12 से 18 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका वेतन एवं भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। वर्तमान में आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, जिससे इनका परिवार प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ खबर है, बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का फैसला, नहीं होगी शासकीय कार्यालयों में मीटिंग। जानिए COVID-19 को लेकर और क्या कहा गया। रायपुर, राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने शासकीय कार्यालयों में होने वाली सामान्य बैठकों को ना कराने के आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से अगर अत्यावश्यक बैठक कराने की आवश्यकता हो तो वह भी वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराया जाए। इसके साथ ही आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ अथवा जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन न किए जाएं। वहीं शासकीय कार्यालयों में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन तथा कोरोना संबंधी अन्य सावधानियों का पालन किया जाए। इसी बीच आगे खबर है, पूर्व CM रमन सिंह का सरकार पर आरोप, किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन 27 लाख से घटकर 2 लाख हुआ, किसानों के खाते में नहीं आया 500 करोड़।
रायपुर किसान सम्मान निधि का फायदा राज्य के किसानों को नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन यह अब घटकर 2 लाख हो गया है। इससे किसानों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता उजागर हो रही है। रमन सिंह ने कहा कि यह मामला सरकार की एक और बड़ी लापरवाही को भी बयां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान जारी कर कहा कि कृषि विभाग घोर लापरवाही की वजह से किसानों का रजिस्ट्रेशन घट गया है। किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए की राशि जानी थी, लेकिन उदासीनता की वजह से महज 40 करोड़ की राशि ही किसानों को मिली।